और right, so अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो सीखने वाले हैं वो ये है कि हम थम नेल्स किस तरह बना सकते हैं ठीक है अब द रीज़न वाई एम टीचिंग हर मेक थम नेल्स इज़ के मैं आपको टेक्स्ट वगैरह कर इंट्रोड्यूस करवा सकूँ कि हम टेक्स्ट किस तरह ऐड करते हैं डिफरेंट पिक्चर्स को किस तरह ऐड करते हैं इसमें और कुछ इफेक्ट्स जो हैं जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें uh, इसके पीछे जो ब्लर वाला इफेक्ट है अगर मैं आपको इसको ऑन ऑफ करके कर देखाऊँ आप देख सकते हैं दिस इज़ विदाउट द ब्लर इफेक्ट टेक्स्ट को पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है हमें थोड़ा तो सा जो बैकग्राउंड है उसके साथ कंप्लीट कर रहा है लेकिन अगर मैं इसे ड्रॉप शाडो को ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं कि जो इसके पीछे जो है एक ब्लर सा ब्लैक इमेज आ गया इसके पीछे ठीक है जिससे हो क्या रहा है कि हमें टेक्स्ट को पढ़ने में आसानी हो रही है सही है तो हम ये थंबनेल बनाना सीखेंगे से ये इसी क्या कहते हैं इसी कोर्स का थंबनेल था ठीक है दिस इज गोइंग टू बी क्लास टू सो हम क्लास टू करने वाले हैं लेकिन एनी अब हम शुरू से इस थमनेल को बनाना सीखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे मैं जाऊँगा फाइल में ठीक है न्यू को क्लिक करूँगा न्यू से हम बेसिकली एक नया फाइल क्रिएट करेंगे अब जो हमारी डायमेंशन है ना जो जो और हाइट है ये ये वेथ और हाइट जो है ना ये मैटर करती है अब ठीक है क्योंकि YouTube पर जो थमनेल्स होते हैं यूजली वो होते हैं नाइनटीन ट्वेंटी बाई टेन एटी के अगर आप सर्च करें यूट्यूब थमनेल साइज़ ठीक है तो आप देखेंगे बेसिकली ये सेवन ट्वेंटी पी है ठीक है अगर आपको आ, मतलब ये मिनिमम शॉर्ट ऑफ होती है अच्छी रेजोल्यूशन लेकिन आ, अगर जो अगर आपको बेहतर क्वालिटी की चाहिए ठीक है तो आपको बेसिकली टेन एटी पी यानी नाइनटीन ट्वेंटी बाई टेन एटी रेजोलूशन आपको चाहिए होती है ठीक है तो अब नाइनटीन ट्वेंटी हमारी वर्थ होगी टेन एटी जो है हमारी हाइट होगी ठीक है बाकी जो सेटिंग्स हैं सारी वो आपने जैसे जैसी रखनी है ठीक है डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं कुछ मैंने चेंज नहीं किया इनमें ठीक है लेकिन हम हाँ इसके बाद क्रिएट को दबा देंगे जब हमने क्रिएट दबाया तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ब्लैंक कैनवस हमारे पास आगे आगे ठीक है तो अब हम क्या करने वाले हैं सबसे पहले हम इम्पोर्ट करेंगे बैकग्राउंड ठीक है बैकग्राउंड के आपके लिए आपने सिंपली जाना है ब्लर थम बैकग्राउंड सही है आप इनमें से कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं मैं पर्सनली जो प्रीफर करता हूँ ना मैं लेट से अगर मैं फ़ोटोशॉप का को कोर्स बना रहा था ना तो मैं करूँगा फोटोशॉप आर्टवर्क सर्च करूँगा ठीक है फोटोशॉप आर्टवर्क सर्च करूँगा और कोई भी आर्टवर्क उनमें से उठा के मेक श्योर sure कि आपके पास उसके राइट्स हों या फिर वो ऑफिशियल वेबसाइट से हो फॉर एक्जाम्पल जब ये जो मैंने आर्टवर्क उठाया था जो मेरे इस बैकग्राउंड में इस कोर्स के बैक के बैकग्राउंड में वो खुद अडोबी की तरफ से ठीक है तो इसको आप राइट क्लिक करें ठीक है सेवे मजा आज़ या फिर आप कॉपी भी कर सकते हैं कॉपी करना बेहतर मुझे लगता है यूजली कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे हम आए कंट्रोल वी दबा दिया हमने सही है तो ये पेस्ट हो गया आपके पास इमेज ठीक है अब एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इस थंबनेल में जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा ब्लर हुआ हुआ है ठीक है तो ब्लर करना मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कंट्रोल सी दबाएंगे अपने की बोर्ड ताकि हम इसे स्केल कर पाएं ठीक है तो ऑल्ट अपने की बोर्ड होल्ड करेंगे और उससे स्केल अप करेंगे लाइक दैट ठीक है समथिंग लाइक दैट तो आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा इस तरह से वेट थोड़ा सा मैं आई थिंक इस तरह से आई थिंक ऐसे बेहतर रहेगा थोड़ा बिकॉज um, uh, मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे ना फोटोशॉप का लोगो आ जाए और यहाँ पे मेरी पिक्चर आ जाए ठीक है तो अब हमारे पास ये बैकग्राउंड आ गया अब इसे ब्लर किस तरह करना है सिंपली हम इमेज को सेलेक्ट करेंगे लेयर को सेलेक्ट करेंगे मेक श्योर कि आपका लेयर सेलेक्टेड हो ठीक है आपने ऊपर जाना है फिल्टर में अब यहाँ पर आपके पास ना बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपके पास होंगे कि आपने किस तरह का इस पर फिल्टर लगाना है ठीक है और मैं आपको ज़्यादा इस पर इसके बारे में डिटेल्स नहीं बताने वाला मैं आपको रिकमेंड मोदेंड करूँगा कि आप खुद ज़्यादा जो है इफेक्ट्स जो हैं फिल्टर्स वो खुद एक्सप्लोर करें बिकॉज इतना मुश्किल नहीं है बहुत आसान है अब मैं आता हूँ यहाँ पे ब्लर में ठीक है ब्लड जो यूजली मैं यूज़ करता हूँ वो होता है गौशन ब्लड अब मेरे ख्याल में इससे सबसे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं लेकिन आप बाकी सारे भी ट्राई कर सकते हैं सब में आपको जो है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा ठीक है गौशन ब्लड लेकिन जो है ना वो जनरली जिस तरह का ब्लर हम चाह रहे हैं इस है, सिचुएशन में वो वैसा ब्लर हमें मिल जाएगा अब रेडियस जो है इसका ये आप कम करेंगे तो ब्लड कम होता जाएगा इंक्रीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा ब्लर हो जाएगा ठीक है इतना ज़्यादा मिलने नहीं चाहिए तकरीबन आई थिंक इतना शुड बी इनफ प्रॉबली समथिंग लाइक दैट समथिंग लाइक ट्वेल्थ शुड बी फाइन ठीक है तो अब आ, ओके को दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं हमारा ब्लर अप्लाई हो गया अब मैं इसको कंट्रोल जी करके अगर आपको और इफ़ेक्ट्स कुछ दिखाऊं लेट्स से अगर आपको ब्लर एक और तरह का लगाना है आपने फॉर एग्जांपल आपने रेडियल ब्लर लगाना है रेडियल ब्लर में क्या होगा आपका इमेज ऐसे लगेगा कि जैसे सर्कल में जो है सर्कल में आपका ब्लर हो रहा है वैसे अगर ओके को दिखाऊँ दबाऊँ तो आप देख सकते हैं इस तरह का इसमें ब्लर आ रहा है ठीक डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स हैं जिनके साथ आप प्ले अराउंड कर सकते हैं और डिफरेंट तरह के आप इफेक्ट्स अचीव कर सकते हैं ठीक है आप फॉर uh, एग्जांपल अगर पिक्सलेट में जाते हैं ठीक है पिक्सलेट में जाएंगे और अगर आप इसमें मोह को क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ये ऐसे जैसे लो क्वालिटी पिक्चर होती है ना उस तरह का आपको इफेक्ट दे रहा है तो आप ये भी लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो ठीक है लेकिन मैं अभी वापस जाके ब्लर गौशम ब्लर लगा देता हूँ उस पर ट्वेल्व पिक्सल शुड बी फाइन राइट right. अब हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि होगा फोटोशॉप का लोगो ऐड करना ठीक है तो मैं इंटरनेट पर जाऊँगा सिंपली फोटोशॉप लोगो लिखूँगा और आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सिंपल सा प्रोसेस है पूरा आपने बस पिक्चर्स लेनी है इंटरनेट से या फिर आपने कहीं से भी पिक्चर्स लेनी है उन्हें आपने कॉपी करना है आपने यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है ठीक है साइज को आपने एडजस्ट करना है यूजली साइजेस जो है रेजोल्यूशन डिफरेंट होती हैं ठीक है ऑल्सो अगर आपका स्केल जो है आपका यूनिफॉर्म नहीं हो रहा ना आपने क्या करना है आपने शिफ्ट अपने की बोर्ड होल्ड करना है ठीक है अगर आप शिफ्ट होल्ड नहीं करेंगे तो आपका जो है इस तरह से होता रहेगा ठीक है अगर आप किसी पुराने वर्जन पर फोटोशॉप के अगर आप शिफ्ट होल्ड करेंगे तो आपका जो है ना फिर यूनिफॉर्म भी होगा लेकिन अगर आप फोटोशॉप के किसी नए वर्जन में है तो इसका ऑपोजिट बेसिकली होगा आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो आपको यूनिफॉर्मली होगा स्केल शिफ्ट दबाएंगे तो आपको यूनिफॉर्मली नहीं होगा तो ये बेसिकली आपने चीज़ थोड़ी जहन में रखनी है थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग आए नो लेकिन फोटोशॉप के वर्जनस में वो वीज़ें चेंज करते रहते हैं अगर आप ये फीचर में वीडियो देख रहे हैं और कोई नया फोटोशॉप का वर्जन आ गया तो आप बस एक्सपेरिमेंट करके देखें अपने फोटोशॉप के साथ कि आपको शिफ्ट दबाने के बाद यूनिफॉर्म हो रहा है या दबाने के बगैर यूनिफॉर्म हो रहा है तो फिर आपको उसमें आइडिया हो जाएगा सही है तो फोटोशॉप का लोग जो है मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ थोड़ा सा थिंक साइज करते हैं इसकी कंट्रोल टी और राइट है परफेक्ट कंट्रोल एस पी दबाते जाए अपने साथ साथ ताकि आपका सेव होता रहे ठीक है मैं इसका नाम रखता हूँ थमनेल टूटोरियल ठीक है डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ दैट शुड बी फाइन परफेक्ट तो अब हम वापस आते हैं अपने मेन थंबनेल की तरफ ठीक है और यहाँ पे हम देखते हैं कि और हमें क्या क्या ऐड करना है सबसे पहले हमें ये पिक्चर ऐड करनी है ठीक है पिक्चर तो हम आराम से ऐड कर लेंगे बेसिकली उसका ये है कि आपने अपनी पिक्चर ऑब्वियसली ऐड करनी होगी या फिर किसी और की पिक्चर ऐड करनी होगी अभी मैं क्या करता हूँ अभी मैं ना एक काम करता हूँ कि किसी रैंडम बंदे की पिक्चर एड कर देता दे ताकि मैं आपको उसका जो बैकग्राउंड रिमूव करना है ना वो भी आपको सिखा सकूँ कि आप पिक्चर का बैकग्राउंड कैसे रिमूव करते हैं सही है तो हम क्या करने वाले हैं अब हम सिंपली सर्च करने वाले हैं पैक्स डॉट कॉम पैक्स डॉट कॉम पर जाके आपने मैं सिंपली सर्च करता हूँ मैन हम देखते हैं कि किस तरह की पिक्चर्स मिल पाती हैं इन स्टूडियो लत् अब स्टॉक फुटेज की जहाँ तक बात है वो ये है कि आपने एक्सपेरिमेंट करना है डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सर्च करनी है और आपने जो बेस्ट पिक्चर हो अपने लिए निकालनी है गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं मैन पिक्चर फॉर थंबनेल ठीक है ये इस तरह की पिक्चर आप लगा सकते हैं अगर आप चाहें मैं ये वाली पिक्चर चूज़ करता हूँ ठीक है तो ये वाली पिक्चर हमने चूज़ की है अब हम इसको ओपन करते हैं फ्री पैक डॉट कॉम में फ्री पैक डॉट कॉम भी एक वेबसाइट है जहाँ से आप जो है फ्री की स्टॉक फुटेज या स्टॉक um, स्टॉक फुटेज नहीं स्टॉक इमेज़ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं आप ठीक है कुछ फ्री हैं कुछ इसमें पेड होते हैं तो मैं ये वाला डाउनलोड कर देता हूँ ये इमेज है ठीक है डाउनलोड दबा दें और एट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है इसमें आप मेक श्योर sure करें कि आप जहाँ भी इसे यूज़ करें अपनी डिस्क्रिप्शन में या फिर कहीं पे भी जहाँ पे आप कर सकें वहाँ पे आप इस बंदे का नाम मेंशन कर दें ताकि ऑब्वियसली हम उन्हें क्रेडिट जाते हैं तो अब हम इसे ड्रैग करके फ़ोटोशॉप में लाते हैं लाइक like दैट और इसको ड्रैग इन कर देते हैं ठीक है अब एक चीज़ ये होगी कि हमारा आ, हमारे पास दो मसले हैं इन डीज़ के ठीक है पहला मसला ये कि हमारे पास बैकग्राउंड है इसका जो कि हमने रिमूव करना है सेकेंड मसला ये कि ये बेसिकली इस तरफ पॉइंट कर रहा है राइट हम चाहते हैं कि ये इस तरफ पॉइंट करे तो हम इसे एसेंशली इन्वर्ट करने वाले इमेज को वो भी मैं आपको बता देता हूँ बहुत आसान सा तरीका है उसका लेकिन सबसे पहले हम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे अब अगर तो आप किसी पुराने वर्जन में आप फोटोशॉप सीख रहे होते हैं तो आपको मैं बताता कि आप पेन टूल सेलेक्ट करें ठीक है पेन टूल सेलेक्ट करें और पूरे इमेज का मास्क बनाएं ठीक है यहाँ फिर आपको एक सिलेक्शन टूल से आप कर सकते हैं तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के और बैकग्राउंड रिमूव करने के ना बहुत मुश्किल तरीके होते थे पहले लेकिन आजकल जो है फोटोशॉप में एआई का काफ़ी यूज़ हो रहा है काफ़ी बेहतर आपके पास जो है ऑप्शन आ गए ठीक है आपने सिंपली क्या करना है आपने लेयर को सिलेक्ट करना है आपने ऊपर सेलेक्ट में जाना है ठीक है और आपने क्लिक करना है सेलेक्ट सब्जेक्ट अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट जो है पूरा सेलेक्ट हो गया है ठीक है तो इतना आसान है फ़ोटोशॉप अब लिटरली uh, आपको मतलब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है आपने बस इससे सेलेक्ट करना है आपने सिंपली क्या करना है आपने इसे इस लेयर को सेलेक्ट करना है राइट क्लिक करना है ठीक है और आपने इसे रेस्टराइज़ करना है अब बेस्टराइज का जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मुश्किल है ठीक है स्पेशली अगर आप बिगिनर uh, हैं भी लेकिन बेसिकली आप कर कह रहे हैं कि आप जब रेस्टराइज़ करेंगे तो आप उसके इमेज के डिफरेंट हिस्सों को काट सकते हैं इसमें से अब सिंपली मैंने इसे ड्रैग किया रेस्टराइज़ करने के बाद और मैं इसे हिस्सा इसका निकाल सकता हूँ एज अपोज टू अगर मैं इसे रेस्टराइज करने से पहले करता तो ये पूरा इमेज साथ आता ठीक है तो आपने बेसिकली इसे रेस्टराइज़ करना है क्लिक करके लाइक like दैट और अब हम इसे मूव कर सकते हैं ये सेपरेट बेसिकली एक लेयर बन के ठीक है तो अब हमें इसे इनफैक्ट ये सेपरेट लेयर अभी बनानी है हम इसे बनाएंगे सेपरेट लेयर किस तरह बनाना है हमने सिंपली कंट्रोल एक्स दबाना है जिससे ये कट हो जाएगा और हमने कंट्रोल वी दबाना है कंट्रोल वी मतलब पेस्ट जब आप पेस्ट करेंगे तो ये असेंशली एक सेपरेट लेयर में पेस्ट होगा सही है तो आप इसे सेलेक्ट करके बैकग्राउंड वाले के लेयर को और आपने इसे डिलीट कर देना है ठीक है डिलीट किया आप दबा देंगे और आप देख सकते हैं कि हमारा जो बैकग्राउंड है वो आसानी से सेलेक्ट हो चुका है ठीक है अब यहाँ पे हम इसे प्लेस करते हैं ठीक है थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं या एज एन लाइक स्केल अप कर लेते हैं लाइक like दैट लेकिन आ, अब ये इस तरफ पॉइंट करें राइट तो हम इसे इन्वर्ट किस तरह करें अब इन्वर्ट करने का तरीका जो है बहुत ही आसान है आपने सिंपली मेक श्योर करना है कि आपका लेयर जो लेयर जो है वो सिलेक्टेड है आपने एडिट में जाना है ठीक है नीचे जाना है आपने ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्म का जो ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास काफ़ी डिफरेंट सारे आपको ऑप्शंस uh, मिलेंगे जो आप ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर सकते हैं अपने इमेज पे लेकिन हम अभी जिसमें इंटरेस्ट हैं वो है फ्लिप हॉर्जोंटल जैसे मैं क्लिक करूँगा आप तो आप देख सकते हैं कि जो है हॉरिजॉन्टली इमेज फ्लिप हो चुका है लाइक like दैट ठीक है दैट्स परफेक्ट दैट्स एग्जैक्टली वॉट यू वांट और यहाँ पर इसे प्लेस करते हैं सही है और अब हम हम यहाँ पे टैक्स स्टार्ट करने वाले हैं मेक शोर sure कि आप प्रोजेक्ट को सेव करते रहें साथ साथ ठीक है तो अब हम क्या करने वाले हैं अब हम टेक्स स्टार्ट करने वाले हैं टेक्स स्टार्ट करने के लिए यहाँ तो आप यहाँ पर जाकर टेक्स टूल सेलेक्ट करें ठीक है या फिर आप अपने की बोर्ड पर टी दबा दें टी दबाना मेरे लिए यूजली आसान होता है ठीक है और अब आप देख सकते हैं ऊपर आपके पास टेक्स्ट वाले सारे जो ऑप्शंस आपको नॉर्मली किसी फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या किसी भी टेक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर में आपको मिलते हैं तो आपके पास सारे ऑप्शन यहाँ पर आ गए कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शन हैं हमारे पास यहाँ पर इस तरफ ठीक है या प्रॉपर्टीज़ में लेकिन वो हम बाद में ऐड करने वाले हैं अभी फ़िलहाल नहीं तो यहाँ पे आप सबसे पहले फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं अपना ठीक है अब फॉन्ट आपके पास जो बेसिक फॉन्ट्स हैं वो आप आ, क्या कहते हैं शुरू में तो नहीं यूज़ करेंगे मेरे पास कुछ फॉन्ट्स डाउनलोड हुए हुए हैं मॉनसराइड जो है मेरा फेवरेट फॉन्ट है यूजली मैं उसमें क्या कहते हैं थमनेल्स में या तो मॉनसर यूज़ करता हूँ या तो पॉपिन्स यूज़ करता हूँ तो अभी मैं पॉपिंग यूज़ करने वाला हूँ मेक श्योर कि आपको फ़ॉन्ट सेलेक्ट सही सेलेक्ट हुआ है आपकी फ़ॉन्ट जो फॉन्ट uh, की जो की जो वेटिंग है वो सही सेलेक्ट हुई हुई है ये आपकी फ़ॉन्ट साइज़ है इससे हम बाद में uh, करेंगे ये आपके टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं ठीक है और आपके यहाँ पे पैराग्राफ सेटिंग्स हैं कि आप मतलब लेफ्ट लाइन करना चाहते हैं मिडिल लाइन करना चाहते हैं राइट right लाइन करना चाहते हैं ठीक है और ये आपका जो है टेक्स्ट कलर है तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ मैं इनफैक्ट टेक्स्ट कलर को पहले वाइट सेट करता okay. जाऊँगा ठीक है ये आपके पास कलर पिकर आ जाता है बाय द वे कलर पिकर से आप आसानी से जो भी कलर आप चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप ह्यू चेंज करेंगे ठीक है और यहाँ से आप जो एग्जैक्ट कलर है वो आप चेंज करेंगे और ये जो एग्जैक्ट कलर है वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं ठीक है तो वाइट सेलेक्ट करने के लिए इसे सिर्फ को इस कोने में ड्राई कर लें ब्लैक सेलेक्ट करने के लिए इस कोने में ड्राई कर लें तो अभी मैं वाइट करता हूँ दैट प्रेस ओके ठीक है और अब हम कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक डमी टेक्स्ट आ गया है इसको अगर हम बैक्सपेज दबाएँ ठीक है तो आपके पास बेसिकली कोई टेक्स्ट नहीं है लेकिन हम टस्ट ऐड करने वाले मैं लिखता हूँ फ़ोटोशॉप एर क्या टैक्स था आ, अभी के लिए हम यही टैक्स ऐड करते हैं हम बाद में इसे चेंज करेंगे ठीक है तो जब आप टेक्स्ट लिखना आपने ख़त्म कर लिया आपने इसको क्लिक करना है ठीक है इस बटन को डिस्ट्रॉन राइट हेयर ठीक है थीके? और आपने वापस मूव टूल में से लाने है बिकॉज अगर आपका टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हुआ हुआ होगा तो आप जहाँ भी क्लिक करेंगे वहाँ पर एक और टैक्सट बॉक्स बन जाएगा और वो हम नहीं चाहते ठीक है मैं इसे सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो हम वापस जाते हैं देखते हैं टेक्स्ट क्या था हम इस टेक्स को इनफैक्ट कॉपी कर लेते हैं ठीक है लाइक दैट और हम इसको ऑल्सो टेक्स्ट को डबल क्लिक करने से आपका ऑटोमेटिकली टेक्स्ट टूल सेलेक्ट हो जाता है और आप इसे टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं कंट्रोल वी दबाएंगे तो आप देख सकते हैं एक्जैक्टली exactly जो हमारा हम क्या कहते हैं जो टेक्स्ट था हमारा वो एक्जैक्टली exactly पेस्ट हो गया टेक्स्ट को आप साइज़ भी चेंज कर सकते हैं कंट्रोल टी दबा के जिस तरह हम नॉर्मली करते हैं लेकिन यूजली ये रिकमेंडेड नहीं होता यूजली रिकमेंड मैं आपको तरीका करूँगा वो यही होगा कि आप इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज़ करें आप सिंपली टेक्स्ट को सेलेक्ट करें ठीक है सारे टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है और ये जो फॉन्ट साइज है ना यहाँ पे आपके पास इसको आपने चेंज करना है अगर आप एग्जैक्ट इसकी मूवमेंट uh, एग्जैक्टली uh, exactly चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको बेसिकली ये जो चीज़ें ना यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करके आप ऊपर नीचे कर सकते हैं लेकिन अभी आप देखेंगे कि टैक्स जो है बेसिकली इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में और अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी ठीक है इसको करने का इसको सही करने का आसान तरीका जो है वो ये है कि आप राइट साइड पर प्रॉपर्टीज़ वाले टैब में आएंगे ये आपकी है बेसिकली लाइन स्पेसिंग ठीक है इसको अगर आप इंक्रीज़ करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमान जो गैप है वो कम या ज़्यादा हो रहा है लेकिन अगर आप इसे ऑटोमेटिकली सेट करना चाहते हैं तो आप इससे क्लिक करके ऑटो दबा दें ऑटो में ये होगा कि डिफॉल्ट जो होता है आपके पास आ, वो ही पर सेट होगा लेकिन मैं यूजली प्रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा कम रखूँ हल्का सा बिकॉज थमलेज में यूजली टेक्स्ट होता है वो ज़्यादा कंडेंस्ड होता है कंडेंस का मतलब थोड़ा ज़्यादा करीब होता है ठीक है तो दैट्स एग्जैक्टली वॉट यू वांट और माइनर एडजस्टमेंट्स के लिए आप इसे स्केल अप एंड डाउन कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट ठीक है और फोटोशॉप का जो लोगो है इसको हम यहाँ पे मूव कर लें हल्का सा ऐसे छोटा कर लें को और दैट शुड बी गुड थोड़ा सा ऐसे भी छोटा कर लें दैट शुड बी होपली फाइन या यहाँ पे से प्लेस करें हल्का सा ऐसे मूव कर लें ठीक है और अब हमारे पास जो है फॉर द मोस्ट पार्ट थंबनेल जो है हमारे पास तैयार हो चुका है ठीक है एक चीज़ मैं आपको मैं, एक चीज़ जो मैं आपको भी बताने वाला हूँ ये है कि आप इसमें ड्रॉप शेडो या फिर और तरह के इफेक्ट्स किस तरह से ऐड कर सकते हैं ठीक है अब इफेक्ट्स ऐड करने वाला जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है उसको पूरा मैं डिटेल में कवर करना चाहता हूँ ठीक है तो अभी बेसिकली अगले पार्ट में हम वो पूरा जो इफेक्ट पैनल होता है ना आपका फ़ोटोशॉप में उसको हम पूरा कवर करने वाले हैं